अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे होंगे? ठीक होंगे। आज की मेरी रेमेडी है एग्स की, एग में अंडा, अंडे की है, जिसकी ग्लास स्किन होती है उसके लिए और ग्लो के लिए। सबसे पहले हम रेमेडी का तरीका बताती हूँ क्या क्या है। उसके पहले सबसे पहले हमारे पास दही, बेसन, एक अंडा, चावलों का आटा, बेकिंग सोडा और ग्लिसरीन की बोतल मेरी टूट गई थी तो मैंने इसमें डाल ली। ठीक है, ये ग्लिसरीन दिखा दूँगा आपको, फिर आप बोलेंगे क्या है ये। हमें सर्दी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सफेदी अंडे की। ठीक है, हमने सफेदी निकाल ली। ये हमारे पास है चमचे वाले, मैंने हाफ टी स्पून लेना है बेकिंग पाउडर और इसके बाद है एक चमचा बेसन, एक चमचा है चावलों का आटा और एक चमचा है दही और हाफ टी स्पून है ग्रीसलीन। अब इसको हम करेंगे मैच मिक्स। अंडे से हमारी स्किन होती है टाइट, दही से होती है हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट। जो ऑयली वाले हैं वो दही यूज़ करें और जिसका फेस एक्नी का है, जिसके फेस पे एक्नी है, वो ये वाली रेमेडी ज़रूर यूज़ करना। हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हाथ वॉश करेंगे इसका। जो हमने पेस्ट बनाया था ये इसके लगाएंगे। ठीक है, ये आप ईद आ रही, ईद पे यूज़ करें, हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएं, इसका रंग भी आपको ग्लो आएगी चेहरे पे और शाइन भी आएगा। अभी मैं आपको कल आपको ना नई रेमेडी में एक मास्क बताऊंगी ग्लास स्किन की, जो चाइना के लोगों की स्किन होती है ना ग्लास स्किन के लिए उसकी है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा मास्क सूख चुका है, अब 10 मिनट हो गए, हम इसको वॉश करते हैं। पहले हल्का सा स्प्रे मार के इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी शाइन आई है इसके हाथ पे। इसका हमने हाथ वॉश कर दिया। आप हफ्ते में इसको 3 दफ़ा लगाएंगे, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। पहले आप बैग पे जाना, इसका हाथ देखना और आप देखें इसका हाथ कितना सॉफ्ट हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करा करें।